एक मिनट है, लिफ्ट में और लिफ्ट में, लिफ्ट में। एंड टाइम पे दोस्तों माइक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर डबिंग कर ली जाए। अहद और हेमंत का जो मुंह है वो इस वजह से, गर्मी की वजह से ऑफ है, और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं विंटरलैंड। विंटरलैंड जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका टिकट 1500 का है पर पर्सन, और थोड़ा सा महंगा ही है, और वैसे बना हुआ बड़ा ज़बरदस्त है। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इस जगह पे, कैसे टिकट लेना है, वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। थोड़ी सी आवाज़ का मसला हो रहा था, इस वजह से मुझे डबिंग करनी पड़ी है। जहाँ आवाज़ सही है वहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाऊंगा अपनी। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ये है रास्ता अंदर जाने का। पीएफ म्यूज़ियम से होते होते हम डायरेक्ट अंदर जाते हैं और सामने देखते हैं वाटर पार्क का लोगो, वो सॉरी वाटर पार्क बोलो मतलब विंटरलैंड का लोगो। अब हम वहीं करीब जा रहे हैं। अभी इस वजह से इधर रश इसलिए नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगा टिकट है तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि भाई चलो आज विंटरलैंड का देखकर आते हैं कि है क्या सीन। तो मैंने आपको एंट्रेंस दिखा दी है, एंट्रेंस बड़ी अच्छी बनाई हुई है, देखें हर जगह पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गार्डन शार्डन बनाया हुआ है, सामने स्टेडियम भी है, मतलब आप इंजॉय करेंगे यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो देखते हुए जाएंगे विंटरलैंड के, तो अच्छा लगेगा। अब हम विंटरलैंड के करीब पहुँच रहे हैं। विंटरलैंड के जैसे करीब पहुँचते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि विंटरलैंड बाहर से कैसा नज़र आता है। थोड़ा सा लंबा रास्ता है पर दोस्तों ये आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, व्लॉग को ना, ये व्लॉग में आपका भी फायदा है। आप लोग कभी विंटरलैंड गए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। देखिए सामने पीएफ कन्वेंशन सेंटर है, उसके आगे है विंटरलैंड जो कि मैं आपको 2 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये देखें सामने से आ गया, यहाँ पर आ गया है विंटरलैंड का ये स्टेडियम लग रहा है ऐसा, पर बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। सामने देखिए विंटरलैंड आ चुका है और अब हम विंटरलैंड में इंटर हो चुके हैं। दोस्तों और भी बहुत मज़े की बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी कम रश है, क्योंकि रश से आपको पता है ज़्यादातर मैं घबराता हूँ, पर यहाँ पे रश ही कम है। तो मैं चलो भाई व्लॉग बनाते बनाते आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। ये देखें ये काउंटर है, यहाँ पर तो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और हम लोग लाइन में इस वजह से लगे हुए हैं कि अभी टिकट वगैरह लेना है, उसके बाद फिर हमें ये टाइम देगा कि 1 घंटा देते हैं। अब वो कौन सा टाइम होता है ये मैं आपको बता दूंगा। ये देखें विंटरलैंड अंदर से कितना अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने, और बाहर आपको मैंने गार्डन दिखाया हुआ है। मैं फिर से आप लोगों को एक मरतबा ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखें कैफ़े है, यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल सकती हैं। हेमंत बोलो कुछ, फरमाओ, अबे कुछ तो बोल, अबे विलापन पौने 5 पे हमें टाइम दिया गया, हम 5:45 पे एंट्री मारेंगे। अंदर का ऊपर घूम लेते हैं थोड़ा सा जितना टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 बजे का टाइम है और टिकट ले लिया है हमने। और यहाँ से हमें लेना है कपड़े सर्दी के जो अंदर पहन के जाने हैं, जैकेट है। चलो मैं आपको ट्राई कराता हूँ, देखें कि किस तरह से पहनते हैं, क्योंकि पहनना भी आपको दिखाना चाहिए ना कि कैसे पहनते हैं। ये सामने से ग्लव्स भी फ्री में मिलते हैं, जो सॉक्स आपको सॉक्स पहन के आना पड़ेगा, अगर आप सॉक्स यहाँ से लेते हैं तो आपको पैसे लगेंगे। अब ये मैं जैकेट पहन रहा हूँ और सॉक्स मैंने पहले से ही पहना हुआ था, और अब मैं जो है देखें मन ने सबने पहन लिया है, और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी पहन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है? मैं तो ज़रूरत होती है तो ये सारी चीज़ें देख लेना, स्पेशली सॉक्स की ज़रूरत होगी तो आप लेकर आना, वरना यहाँ से आपको 150 में ख़रीदना पड़ेगा। ये देखें दोस्तों हम अंदर जा रहे हैं, अंदर बहुत ठंड है भाई, मज़ा आ रहा है देख के, और अहद ने तो काफ़ी इंजॉय करना भाई, क्योंकि अहद इसी चक्कर में आया था कि उसको मज़ा आ रहा है देखने में ना विंटरलैंड वाले। हम सब खुश हैं और हाथ तो डांस कर रहा है भाई, हाथ को ज़्यादा खुशी हो रही है। चले भाई अंदर की साइड पर चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से होते हुए हम फिर बर्फ़बारी के हसीन लम्हात में जाते हैं, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग का इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पीछे से गाने बज रहे होते हैं, कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इस वजह से मैं इस पर डबिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, और अभी दिखा लूँ दोस्तों कैसे हो रहा है हम लोग। Thank you.
वीडियो बनाए, वीडियो मेरी अब आहा जहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला भाई ये क्या हो गया यार, पूरा गेम ख़राब हो गया माइक ने कबाड़ा कर दिया। माइक का अगर सही होता तो अभी हम लोग जो है ना सही तरीके से आपको वॉइस सुनाते, पर क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रही है तो कॉपीराइट इशू आपको पता है, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। तो अभी हम चलते हैं, ये देखें समा भी बैठी हुई है, झूला झूल रही हैं, तो बहुत अच्छा बनाया यार विंटरलैंड। और देखें अमन भी देख रही है ऊपर की तरफ बर्फ़ आ रही है, मतलब जिन लोगों को बर्फ़बारी का मज़ा जिन्होंने नहीं लिया ना किसी और शहर में जाके मरी वगैरह में, तो वो यहाँ ले सकते हैं। ये देखें हाथ भी लटक रहा है और ये हाथ गया लटकते हुए, ओ आ भाई यार यहाँ से भी तो मजबूत दिल के वो आराम से जा सकते हैं। और अमन ने तैयारी कर ली है, इमन बैठ रही है, इमन जल्दी से जा रहा है, इमन जा रही है। और फिर उसके बाद जो है आहत की बारी, आहत भी जाएगा, ये अब आहत की बारी आ गई। इमन जो है वो स्लाइड ले रही है, इमन को ऐसा लग रहा है बड़ा इजी है, वो गई अंदर की साइड पे। ये देखिए इमन चलेगी, अब आहत की बारी आने वाली है, आहत बैठ रहा है, हाँ भाई आहत, और आहत भी अब जाने की तैयारी कर रहा है। विंटरलैंड में झूले बहुत अच्छे हैं। मैंने माइक इसलिए निकाली है, म्यूजिक बज रही है ना, उस पर डबिंग कर दूंगा। अभी तो म्यूजिक नहीं बज रही तो हम लोग बातें कर रहे हैं, अबे मेरे को चक्कर आ रहे। एमन अपने मजे में लगी हुई है, एमन सही घूम रही है अकेले बैठ के, तो मज़ा आ रहा है मन को अकेले बैठ के चलते। तो दोस्तों कैसा मज़ा आ रहा है आप लोगों को, इतनी मेहनत से व्लॉग बना रहा हूँ और देखें समा वगैरह भी टीवी के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब सब अपने में मगन है भाई। और यहाँ पे ठंड इतनी है कि मेरी नाक जम गई है, कैसा लग रहा है आपको? ठंड में वापसी हो रही है, सब जम गया सब कुछ, अब देखते हैं घर जाके क्या होता है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, बहुत मज़ा आया हम लोग विंटरलैंड में, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग जो है उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।